से शुरुआत करते हैं। गैंगस्टर अंकित भादू का एनकाउंटर हुआ है, पंजाब में एनकाउंटर हुआ है जिसमें दो पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी है। डीजीपी कपिल गर्ग ने आज ही इसे लेकर घोषणा की थी, 1,00,000 रुपए इनाम की घोषणा की गई थी डीजीपी कपिल गर्ग के द्वारा। और आज ही पंजाब के जीरकपुर में यह एनकाउंटर हुआ है, बड़ी कामयाबी राजस्थान पुलिस को मिली है। राजस्थान और पंजाब पुलिस की संयुक्त रूप से कार्रवाई थी जिसमें एनकाउंटर हुआ। दो साथी अंकित भादू के गिरफ्त में आए हैं, दो भागने में कामयाब हुए हैं, लेकिन अंकित भादू यहां पर ढेर हो चुका है। एनकाउंटर में मारा गया अंकित भादू, 1,00,000 रुपए का इनाम इस पर घोषित था। राजस्थान और पंजाब पुलिस की यह संयुक्त कार्रवाई है। लंबे वक्त से इसकी तलाश की जा रही थी, ना सिर्फ राजस्थान पुलिस को इसकी तलाश थी बल्कि पंजाब, हरियाणा और यूपी पुलिस को भी इसकी तलाश थी, क्योंकि कई बड़े और अहम मामले थे जो दर्ज थे इसे लेकर और वांछित था ये सभी राज्यों में। और यही वजह थी कि पहले 50,000 का इस पर इनाम घोषित था और इसके बाद डीजीपी कपिल गर्ग ने कल ही इसे लेकर आदेश दिए, 1,00,000 इनाम के राशि जो भी इसकी जानकारी देगा उसे इनाम स्वरूप देने की घोषणा की गई थी। और आज पंजाब के जीरकपुर में यह एनकाउंटर हुआ, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां पर ये जो घर आप देख रहे हैं यहीं पर एनकाउंटर हुआ है गैंगस्टर अंकित भादू का अपने साथियों के साथ। ये यहां पर मौजूद था, जीरकपुर के पीर मुशल्ला क्षेत्र बताया जा रहा है जहां पर यह एनकाउंटर हुआ है। एक युवती को गन पॉइंट पर यहां रखा हुआ था क्योंकि लगातार ये भाग रहे थे, छुप रहे थे, लुका छिपी का खेल पुलिस के साथ खेल रहे थे और बंधक जो युवती थी उसके कान पर गोली लगने की भी बात यहां पर सामने आई है। मोहाली एसएसपी कुलदीप सिंह चाहल भी मौजूद है मौके पर और जिस तरह से तस्वीरें आप देख सकते हैं पूरा मीडिया अब यहां पर इकट्ठा हो चुका है। लेकिन सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया ने आप तक पहुंचाई। पंजाब में एनकाउंटर हुआ है, जीरकपुर में एनकाउंटर हुआ है, पीर मुशल्ला क्षेत्र है ये जहां पर एनकाउंटर हुआ और ये तस्वीर भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। दो साथी जरूर इसके भागने में कामयाब हुए हैं लेकिन दो पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं। दो साथी गिरफ्त में आ चुके हैं और अब पुलिस जब इनसे पूछताछ शुरू करेगी तो और भी अहम खुलासे यहां पर होंगे। और बड़ी बात है कि राजस्थान पुलिस जिस तरह से सक्रिय रही, कल ही इनपुट मिले थे राजस्थान पुलिस को जिसके बाद जीरकपुर पहुंची राजस्थान पुलिस पंजाब पुलिस के साथ मिलकर इस मिशन पर निकली कि अंकित भादू को गिरफ्तार करना है। लेकिन जिस तरह से यहां पर हालात बने, एनकाउंटर हुआ अंकित भादू का और दो साथी तो गिरफ्त में आए लेकिन अंकित भादू ढेर हो गया। 1,00,000 का इनाम इस पर घोषित था और आज ही डीजीपी कपिल गर्ग ने इस पर 1,00,000 का इनाम घोषित किया था जिसके बाद अब ये बड़ी खबर आई, बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है जब एनकाउंटर इसका हो चुका है। हालांकि जिस तरह से बीएल मीना से बातचीत हुई थी बीकानेर से पुलिस अधिकारी, उनका कहना यही था कि जानकारी मिल चुकी है, दो साथी गिरफ्त में है, अब उनसे पूछताछ के बाद ही बड़े और अहम खुलासे होंगे क्योंकि वांछित न सिर्फ राजस्थान में था बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, यहां पर भी वांछित था। कई बड़ी घटनाओं को उसने अंजाम दिया है और अब जबकि इसे वहां होने को लेकर इनपुट मिले, जानकारी मिली कि पंजाब के जीरकपुर में इसकी मौजूदगी है, अपने साथियों के साथ यहां पर मौजूद है और इसके बाद ही कल ही शाम रवाना हो चुकी थी पुलिस। श्रीगंगानगर पुलिस की भी मौजूदगी वहां पर रही और श्रीगंगानगर इसलिए भी बेहद अहम हो जाता है वहां पर क्योंकि कई बार पकड़ने की कोशिश जब अंकित भादू को की गई थी, एनकाउंटर की भी कोशिश की गई थी लेकिन हर बार भाग निकलता था, वहां से फरार होने में कामयाब हुआ अंकित भादू। पहले 50,000 का इनाम इस पर घोषित था जिसे बढ़ाकर यह राशि 1,00,000 की गई थी डीजीपी कपिल गर्ग ने आज ही से लेकर घोषणा की थी। और कल जब इनपुट मिले उस पर पुलिस ने काम किया, पंजाब के लिए रवाना हुई, पंजाब पुलिस के साथ संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को यहां पर अंजाम दिया गया। पंजाब ऑर्गेनाइज क्राइम के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है अंकित भादुर और उसके दो साथी जिनके नाम है गेंदा काना और जर्मनजीत, ये दोनों शामिल थे जब पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। घटना में अंकित भादू को गोली लगी है और एक पुलिसकर्मी और 6 साल की बच्ची भी इस एनकाउंटर में जख्मी हुए हैं। तो जीरकपुर के पीर मुशल्ला क्षेत्र में यह एनकाउंटर हुआ है, गैंगस्टर द्वारा एक युवती को गन पॉइंट पर रखा गया था, ये जो जानकारी मिल रही, जो घर की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं यहीं पर एक युवती को गन पॉइंट पर रखा गया। मोहाली एसएसपी कुलदीप सिंह चाहल घटनास्थल पर मौजूद है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 गैंगस्टर पीर मुशल्ला के महालक्ष्मी अपार्टमेंट में मौजूद थे,
जीरकपुर के पीर मुशल्ला में गैंगस्टर और पंजाब पुलिस में मुठभेड़ हुई। एक गैंगस्टर को गोली लगी। पूरे पीर मुशल्ला इलाके को पुलिस ने चारों तरफ से घेरा हुआ है और सील किया गया है। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस पूरे इलाके को घेर लिया गया है, सील कर दिया गया है ताकि न कोई अंदर आ सके, न कोई इस मोहल्ले से बाहर जा सके। पुलिस की बड़ी टीम, पूरा बड़ा जाब्ता यहां पर मौजूद है ताकि ये जो कार्रवाई हो, पूछताछ हो। दो साथी जो गिरफ्त में हैं, उनसे अब पूछताछ पर ही निर्भर है कि और क्या कुछ खुलासे होते। लेकिन एक बड़ा गैंग जिससे लॉरेंस बिश्नोई का था, उसमें शामिल रहा है अंकित भादू, जो अब ढेर हो चुका है इस एनकाउंटर में।